फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकरा व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक है। और जो है आज का जो मेरा टाइटल है वो तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। तो आज का जो मेरा मेकअप लुक है वो मेरी फ्रेंड करेगी, तो मेरा शूट भी वहीं होगा, तो मैं वहीं जा रही हूँ। तो आप लोग सब रेडी रहिएगा, मैं भी निकलती हूँ, फिर वहीं मैं आप लोगों को मिलती हूँ। तब तक के लिए अपनी फ्रेंड के घर आ चुकी हूँ। और जो है जो मेरा मेकअप लुक करेंगी, तो वो ये मेरी दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है खुशी, तो जो ये मेरा मेकअप लुक करेगी और शूट भी मेरा होगा। तो चले हम लोग जो है अपना स्टार्ट करते वीडियो, और आप हमारे साथ साथ रहिएगा। स्टार्ट करें वीडियो, आ जाओ। अपनी जो है ना आउटफिट चेंज कर लिया है, तो आप आउटफिट देख के मेरे को लाजमी बताइएगा मेरा आउटफिट कैसा है, मैं आपको कंप्लीट भी दिखाऊंगी। तो मैं जब तक लेंस लगा लेती हूँ, तो लेंस लगा के आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। लेंस लगा कर आ गई हूँ, देखे मेरे न्यू लेंस। और जो है ना अभी हम लोग जो है ना अपने चेहरे पे पहले तो अप्लाई करेंगे, जो हम मेकअप से पहले अप्लाई करेंगे ये हम लोग अप्लाई करेंगे पहले। तो ये मैं पहले अपने चेहरे पे लगा लूँ, लगाएंगे और उसके बाद फिर आप लोगों से पूरा आपको मेरा लुक दिखाते हैं मेकअप का, कैसे मेकअप करेंगे कैसे नहीं है, ठीक है। जो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो। तो अभी हम 5 मिनट रुकेंगे कि जो है ना ये मेरे चेहरे पे जो है ना अच्छी तरह से जज़ब हो जाए, और उसके बाद जो है ना हम लोग इस्तेमाल करेंगे आगे यूज़। इसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, क्योंकि पीछे से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था, आवाज़ें आ रही थी इस वजह से। तो मैंने फिर और उसके बाद इन्होंने फिर मेरे मुँह पर बेस लगाना स्टार्ट की। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने मुझे किसी बेस लगा रही थी, तो इनकी बेस लग रही थी। तो उसके बाद देख सकते हैं आप लोग, इन्होंने बेस लगाना स्टार्ट की। और क्योंकि मैं पहली दफ़ा किसी से तैयार हो रही थी, मैं इतना किसी के से तैयार नहीं हुई, मैंने कभी किसी से इतना मेकअप नहीं करवाया था, तो मैं पहली दफ़ा ये मेकअप करवा रही थी। तो मुझे टेंशन भी हो रही थी कि कैसा मेकअप होगा कैसा नहीं होगा, फिर भी हमने ट्राई किया और रिज़ल्ट आप खुद देखिएगा। उसके बाद इन्होंने दूसरी बेस लगाना स्टार्ट की। तो मैं सोच रही थी पता नहीं अभी कितनी सारी बेस लगेंगी, तो इन्होंने दूसरी स्टार्ट की, तो मेरे को रिजल्ट तो सही लगा। इन्होंने मुझे कहा कि आप लेट जाओ, तो मैं लेट गई। उसके बाद फिर उन्होंने फेस पाउडर लगाना स्टार्ट किया। उसके बाद मेरे को समझ नहीं आ रही थी आज मेरे साथ बनने वाला क्या है, क्योंकि मेरा चेहरा बहुत सा वाइट लग रहा था, आप खुद देख सकते हो। फिर भी चलो मैंने बोला चलो देखते हैं आगे हमारे साथ क्या बनता है, तो देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। फिर भी इन्होंने अच्छी बना ली थी।
लगती थी, क्योंकि जब फिर मेरी आंखें बड़ी उसके बाद मैंने देखी तो बहुत अच्छी बन गई थी।
तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारी दूसरी आईज रेडी हो गई जो हम लोगों ने जादू से किया। और उसके बाद जो है इन्होंने मेरी कंडोरिंग की, जो मुझे अपनी कंडोरिंग बहुत पसंद आई। और आगे आप देख सकते हैं इन्होंने मेरा मेकअप बहुत अच्छा किया है। और देखते रहे साथ साथ। इन्होंने ब्लशिंग की, ब्लशिंग करने के बाद इन्होंने हाइलाइटर लगाया जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप देख सकते हैं इन्होंने माशाल्लाह से बहुत अच्छा लुक दिया है मुझे मेरे चेहरे को। तो आगे देखते हैं। उनके बाद इन्होंने मेरे लिपस्टिक लगाई जो रेड कलर लगाए थे इन्होंने, वाटर प्रूफ था। उसके बाद इन्होंने मेरे पूरे मेकअप कंप्लीट होने के बाद इन्होंने मेरे मुंह पे स्प्रे किया कि मेरा मेकअप जैसा हो जाए, मतलब कि मेरा मेकअप ख़राब ना हो तो वो टाइम तक चल जाए। कब जो है कंप्लीट हो चुका है, अभी जो है ना मैं हेयर स्टाइल रह गया, हेयर स्टाइल कंप्लीट करके उसके बाद आपको अपना पूरा लुक दिखाती हूँ कि मेरा पूरा लुक कैसा है। तो अभी मैं ज्वेलरी और हेयर स्टाइल पहन लूँ उसके बाद आपसे मिलती हूँ। उसके बाद ज्वेलरी की बात है तो हमने ज्वेलरी पहनी, उसके बाद उन्होंने मेरा हेयर स्टाइल बहुत अच्छा बनाया, बहुत सिंपल सा बनाया जो मुझे बहुत पसंद आया इनका हेयर स्टाइल। क्योंकि जो दीवानी मस्तानी में उनका हेयर स्टाइल आप लोगों ने देखा होगा, कुछ जो इतना हैवी उनका भी नहीं था। उन्होंने तो कैप पहनी थी मगर मैं कैप नहीं पहनूंगी, मैं दुपट्टा रखूंगी सर पर। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से इन्होंने बहुत अच्छा हेयर स्टाइल बनाया है, लुक बहुत अच्छा माशाल्लाह से इन्होंने दिए। चढ़ा रही थी कि एक रात तो तुम लुक चेंज हो चुका है तो मैं ग्रह लग ही नहीं रही क्योंकि मैंने पहले का वैसा लुक किया था, अभी मेकअप और चीज़ तो सब मेरी कल अच्छी।
चिढ़ा रही थी तो वो उसी बात पर हंस रही थी। तो मेरी तशोर आ रहा था तो मैंने सोचा कि नहीं अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए आप देख सकते हैं मेरा हेयर स्टाइल भी कंप्लीट हो चुका। मैं रेडी हो चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं मेरा पूरा लुक। तो अभी जो है ना मैं अपने फ़ोटोशूट करवा लूँ, फ़ोटोशूट करवा के मैं आप ना मिलती हूँ आप लोगों से, और उसके बाद मैं आपको पूरा दिखाती हूँ, अपनी पिक्स भी दिखाऊंगी। तो ये मेरा आइस मेकअप है, मेरी ज्वेलरी और मेरा आउटफिट जो है वो आपको भी पूरा कम्प्लीट मिल जाएगा। तो चले आए हम लोग अपना जो है ना फोटो लेते हैं। लोगों का मेरा लुक कैसा लगा पूरा, और मुझे कमेंट में फीडबैक में लाजमी बताइएगा आपको मेरी ये ड्रेस और मेरी ज्वेलरी और मेरा मेकअप कैसा लगा। ये मेरी दोस्त खुशी ने मेरा मेकअप किया है, तो पूरा आउटफिट मेरे को बताइएगा मैं कैसी लग रही थी। और अभी मैं अपनी वीडियो एंड कर रही हूँ, तो मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। तो इंशाल्लाह अपने न्यू ब्लॉग में मैं आपको मिलूँगी, और जिसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा। वीडियो पर लाइक करना और कमेंट करना, ठीक है? तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि और वीडियो को मेरी कैसा लगा और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा मेरे चैनल को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।